तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मथुरा वृंदावन का मशहूर खस्ता पराठा, जो स्पेशली खासकर मिलता है चौक बाजार में, हाथरस वाले की दुकान पे या रंगेश्वर मंदिर के बाहर। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये पीस के हिसाब से नहीं, ग्राम के हिसाब से खाया जाता है। और साथ में हम बनाएंगे आलू झोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, खस्ता पराठा एंड आलू झोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल शुगर एंड बटर में। तो सबसे पहले हम आटा जो गूंदेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं, मैंने सब कुछ लिख के वहाँ पर छोड़ा है। तो इसके लिए मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रहा हूँ। तो एक कप मैंने यहाँ पर लिया है करीबन, ये गेहूं का आटा करीबन डेढ़ कटोरी के आसपास है। चार चम्मच लिए मैंने यहाँ पर सूजी, चार टेबल स्पून। साथ में मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून लिया है बेसन। ये सूजी, बेसन और आटा तीन चीज़ डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक चौथाई चम्मच। अजवाइन मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिए है, इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे दोस्तों। अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। हम मठरी में भी डालते हैं, इस पराठे को भी मठरी जैसा रूप दिया जाता है। कसूरी मेथी डालेंगे आधा चम्मच हाथ से क्रश करके। और साथ में मोमन के लिए डालेंगे यहाँ पर हम देसी घी, जो मैं यहाँ पर करीबन चार चम्मच डाल रहा हूँ। अगर आप देसी घी नहीं डाल सकते तो आप इसमें ऑयल डाल लीजिए, लेकिन देसी घी से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मोमन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इन सब में। तो मोमन डालने से दोस्तों ये बहुत खस्ता बनता है। और जब आप मोमन डाल चुकेंगे तो आप ऐसे मुट्ठी बंद करके देखेंगे तो इसकी एक आपको लगेगा ये आटा चिपक रहा है, इस तरीके से इसकी गांठे पड़ेंगी। ये पहचान है कि मोमन सफिशियंट है और मोमन मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसका एक आटा गूंदेंगे। जो आपको आटा गूंदना है वो थोड़ा सा टाइट गूंदना है, जैसे आप मठरी के लिए गूंदते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसका आटा गूंद के हम लोग तैयार कर लेंगे। ये काफ़ी टाइट आटा गूंदा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के हम लोग छोड़ देंगे ताकि आटा बिल्कुल सूखे ना। और इसको ढक कर करीबन 15-20 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए ये आटा। तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों आलू झोल के लिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ ले रखी है। इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। दो तीन चीज़ें मेन मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे ये एक बीच में रखा हुआ पानी है, ये हींग का पानी है। एक चुटकी हींग डाली है दो चम्मच गर्म पानी में, ताकि ये हींग का पानी लास्ट में ऐड करेंगे। साथ में ये मैंने चार बॉइल्ड आलू लिए थे, मीडियम साइज़ के हैं। इसको हाथ से इस तरीके से आप क्रश कर लीजिएगा, बिल्कुल इसका कचूमर भी नहीं निकालना है और इसको बड़े पीसेस भी नहीं छोड़ने, हाथ से क्रश कर लेंगे, सफिशियंट है इस तरीके से। और अब इस डिश को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसका खल्लड़ मूसली, बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने बचपन से जो भी सुना है वो खल्लड़ मूसली सुना है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच लौंग, एक चम्मच काली मिर्च और साथ में एक डेढ़ चम्मच के आसपास साबुत धनिया। तो दोस्तों जो हलवाई बनाते हैं, जिस तरीके से हमें स्वाद सबको पसंद आता है, वो ताज़ी मसाले कूट के पीस के डालते हैं। तो उसको दरदरा पीसना है इस तरीके से, और इस मसाले का हम यूज़ करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें लाल मिर्च नहीं डलती है, तो जो मिर्च होती है, जो तेजपन होता है, वो काली मिर्च और लौंग का होता है। और सबसे मेन चीज़ इसमें जो यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट, जी हाँ इंस्ट्रूमेंट बोलूँगा, वो है लोहे की कढ़ाई। इसी से कालापन आता है, बहुत टेस्ट अच्छा आता है सब्जी का। इसमें मैंने करीबन चार चम्मच, तीन से चार चम्मच घी लिया है, आधा चम्मच इसमें मैंने जीरा डाला है और साथ में एक चुटकी हींग डाली है। हींग आप देख सकते हैं बाज़ार में मिलने वाली नॉर्मल हींग जो आती है पाउडर वाली, वो नहीं है, जो पहले परचून की दुकान पे मिलती थी प्योर हींग, वो यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए एक चुटकी सफिशियंट है इसके लिए। तो कोशिश करिएगा ये हींग मिल जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया रहती है। साथ में मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली है। 15 से 20 सेकंड इसको भूनेंगे ताकि जीरा चटक जाए। और हरी मिर्च का स्वाद थोड़ा सा तीखापन कम लगे। अब साथ में जो हमने मसाले पीस के रखे थे फ्रेश, उसको डाल देंगे। इसमें काली मिर्च, लौंग और हमने साबुत धनिया पीस के रखा है दरदरा, इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां, बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते, यही तीन चार तरीके के मसाले यूज़ होते हैं और इसी से टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक आता है। और इस स्टेज में जो सब्जी को गाढ़ापन देगा उसके लिए हम ऐड करेंगे एक चम्मच यहाँ पर बेसन। जो आलू का झोल बनता है दोस्तों, उसमें जो बिल्कुल पानी जैसा होता है लेकिन एक गाढ़ापन थिकनेस होती है तब भी, तो वो बेसन की वजह से होती है। बेसन से बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बेसन को भी 15-20 सेकंड के लिए भूनेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के आसपास पानी। पानी से क्या है, बेसन जलेगा नहीं। और इसमें हम जो आलू डाल रहे हैं मैश करे हुए, ये भी अच्छी तरीके से मसाले से मिक्स हो जाएंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और एक बार मिक्स ये हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी।
तो आलू के झोल में दोस्तों पानी काफ़ी सारा डलता है, बिकॉज इसको हम बहुत देर तक बॉईल करेंगे, पकाएंगे तो पानी उड़ जाएगा। तो करीबन 4 से 5 गिलास मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी ही पानी है, लेकिन जब तक ये सब्जी बॉईल होगी, पकेगी, खदकेगी, तब तक ये पानी आधा रह जाएगा और आलू का झोल तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया। इस स्टेज पे ऐड करेंगे हम नमक, नमक स्वाद अनुसार डाला है। 1 चम्मच मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ डाल रहा हूँ धनिया पाउडर, और साथ में मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रहा हूँ खटाई यानी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसी से बिल्कुल खट्टापन आता है सब्जी का। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और इसको अब इस स्टेज पे आप खदकने के लिए, खदकना इसलिए बोला जाता है, खदक के धीरे धीरे वो उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाती है और पानी उड़ना शुरू होता है और बॉईल होती है। तो बॉईल करेंगे करीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर। तो दोस्तों ये देखिए 15-20 मिनट हो चुके हैं और करीबन ये आधी रह चुकी है जितना हमने पानी डाला था। तो कलर देखिए इसका, बिल्कुल जो हलवाइयों वाला होता है आलू का झोल काले रंग का, वही इसका कलर आ चुका है। जो गरम गरम बिल्कुल आपको डाल के देते हैं कचौड़ी के ऊपर, परांठे के ऊपर, वही आलू का झोल बन के बिल्कुल तैयार है। लास्ट में इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालिए, इससे अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। इसको क्रश करके डालेंगे, साथ में काफ़ी सारा इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। आलू का झोल जो है दोस्तों, वो ये बोला जाता है सर्दी जुकाम में अगर आप एक गिलास में लेके चाय की तरह धीरे धीरे से पी लीजिए, जुकाम भी गायब हो जाता है, और इसमें मसाले होते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। हींग हम जो डाल रहे हैं, और लास्ट में हींग का पानी ये देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, इससे क्या है कि आपका डाइजेशन भी बढ़िया रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पाचन क्रिया में कोई दिक्कत होगी, बहुत बढ़िया है। बना के देखिएगा, बहुत पेट के लिए भी फ़ायदेमंद है और टेस्ट भी बहुत सुपर मिलेगा इसका आपको। तो ये आलू का झोल बनके दोस्तों बिल्कुल तैयार है। लोहे की कढ़ाई में इसको ज़्यादा देर रख के मत छोड़िएगा, लोहे की कढ़ाई में क्या है सब्जी बहुत जल्दी ख़राब होती है। एक बार पक जाए, बन जाए, उसके बाद किसी और बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है, बिल्कुल पतली भी है लेकिन साथ में बेसन के वजह से कंसिस्टेंसी है, और काले रंग की बनी है। तो आइए अब तैयारी करते हैं पराठे की। तो इसको करीबन 20 मिनट हो चुके हैं और इसको हम 1 मिनट के लिए दोबारा से आटे को गूंद लेंगे। तो दोस्तों ये जो पराठा बनता है, ये एक पराठा कोई भी नहीं खा सकता, इस पराठे का एक पोर्शन खाया जाता है। और ये मैंने जितना आटा बनाया है, गूंदा है, इसके मैं 2 पेड़े बना रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मोटा पराठा बनता है, बिल्कुल मठरी की तरह बनता है। तो इसको इस तरीके से रख के आप गोल बेल लीजिए बेलन की मदद से। तो जो दुकानों पे दोस्तों मिलता है, ये ग्राम के हिसाब से मिलता है, करीबन किसी जगह 30 रुपये का 100 ग्राम, किसी जगह 40 रुपये का 100 ग्राम। तो ये एक पराठे से आप ये मान लीजिए 2 लोग आराम से खा सकते हैं। अब ये पूरा गोल बेलने के बाद इसमें हम लगाएंगे घी। घी मोमन का काम करेगा, क्रिस्पीनेस बढ़ाएगा, लेयरिंग का काम करेगा इसमें। तो घी को पूरी तरीके से फैलाने के बाद आप इसको बीच में से ऐसे ऐसे बंद कर दीजिए 2 पोर्शन में, और फिर दोबारा से घी लगा के इसको हम फिर एक बार फोल्ड करेंगे। तो इससे हमारी करीबन इसमें 4 लेयर बन जाएंगी, और 4 लेयर बनने के बाद इसको हम दोबारा से बेलेंगे। तो जैसे लच्छा पराठा बनता है समवॉट, उस तरीके से लेयरिंग इसमें हम दे रहे हैं, लेकिन लच्छा पराठा क्या है कि तवे पे सेका जाता है, ये कढ़ाई में डीप फ्राई किया जाता है, और यही इसकी यूनिकनेस है। आगरा में भी बाबूलाल पराठे वाला है, वो भी सेम इसी वे में बनाते हैं, डीप फ्राई करके पराठे, बहुत फेमस होते हैं। आप रोज़ नहीं खा सकते, काफ़ी भारी पराठा होता है, लेकिन कभी कभी ये पराठे बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। तो ये देखिए इस तरीके से इसको आप बेल लीजिएगा, ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा बेलना है, और चाकू की ये जो साइड है जहाँ पे शार्पनेस कम होती है, उस साइड से हम इस तरीके से इसमें लाइन बना लेंगे, जिस तरह मठरी में लाइनें बनाते हैं। इससे क्या है कि जब ये सिकेगा तो ऑयल अंदर तक जाएगा और अंदर की सारी लेयर्स को अच्छी तरीके से सेक देगा। इस तरीके से डायगनली भी बना देंगे ताकि इसका जो एक एक पोर्शन है उस सब जगह ऑयल अच्छी तरह जाए और पराठा अच्छी तरीके से सिके। और इसे ले चलते हैं कढ़ाई में। तो मैं इसे जो डीप फ्राई कर रहा हूँ वो देसी घी में कर रहा हूँ। देसी घी में ही मथुरा में जो ट्रेडिशनल दुकानें हैं वहाँ पर देसी घी में ही बनाया जाता है, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो हल्का सा दबा दबा के हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, और बीच में जो लाइनें बनाई हैं इससे क्या है पराठा फूलेगा नहीं पूड़ी की तरह, तो ये यहाँ पर अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पराठा मिलता है, बहुत पुराने टाइम से जब मैं छोटा था तब मुझे याद है, मैं पापा के संग या दादाजी के संग जाता था, बहुत बढ़िया पराठा मिलता था, और एक छोटे से पीस पराठे से ही आपका पेट भर जाता था।
तो ये वही पराठा हम बना रहे हैं, जो लोग मथुरा आते हैं घूमने उन्होंने खाया होगा, ये बहुत ही बढ़िया। देखिए दूसरी तरफ से भी हम लोग इसे सेक रहे हैं, पलट पलट के सेकेंगे और धीमी आँच पर सेकेंगे ताकि पराठा बढ़िया क्रिस्पी सिके। और जो आलू का झोल है दोस्तों, ये बनाने में भी कम से कम 8-8-10 घंटे लगते थे। बहुत तो शादियाँ मथुरा में ऐसी होती हैं जिसमें ये 12-12 घंटे पहले पकाने के लिए रख देते हैं, 12 घंटे तक आलू का झोल बनता रहता है, तब जाके वो तैयार होता है। तो ये देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ से सेक लिया है, इसको पलट पलट के सेक रहे हैं और इस तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल मटरी की तरह अंदर तक ऑयल जा रहा है, अंदर तक इसमें घी जा रहा है, जिस वजह से ये ऊपर की तरफ फूल रहा है और सिक रहा है अच्छी तरीके से। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ये हमारा खस्ता पराठा बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है, टूट के गिर रहा है कढ़ाई में, और ये बनके तैयार है। इस टाइम इसका हम बिल्कुल जो घी है वो निचोड़ जाएगा, उसके बाद हम इसे निकाल के प्लेट में रख लेंगे। तो आइए इसे ले चलते हैं प्लेट की तरफ। तो दोस्तों लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट में अगर आपने खाया होगा सेम वे में मार्केट में मिलता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और अंदर तक आप देखिए, अंदर तक इसमें घी जा चुका है, सिक चुका है। अब इसे सर्व करेंगे हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, दोने में। तो दोने में क्या है, थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं तोल के तो नहीं दूंगा, घर में खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पराठा लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे गरम गरम आलू का झोल, और आलू का झोल डालने के साथ में इसमें हम डालेंगे हरी चटनी धनिया पुदीने की, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है दोस्तों। तो ये बनाइएगा दोस्तों और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने अपनी रेसिपी से आपको मथुरा का टेस्ट दिया या नहीं दिया। पसंद आई हो रेसिपी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।